श्रीलंका में भारी आर्थिक संकट के बीच राष्ट्रपति देश छोड़कर चले गए। 13 जुलाई को राष्ट्रपति ने इस्तीफा देने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक इस्तीफा नहीं आया, जिससे वहां के लोगों में काफी गुस्सा भरा हुआ है और लोग और भी ज्यादा उग्र हो गए हैं। ऐसे में नए राष्ट्रपति के नाम को लेकर श्रीलंका में चर्चाएं तेज हो गई हैं। बता दें कि देश के मुश्किल भरे हालात को देखते हुए कोई भी बड़ा नेता राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में विपक्ष के बड़े नेता साजिथ प्रेमादासा ने राष्ट्रपति बनने की इच्छा जताई है, जिससे पूरे श्रीलंका में सनसनी मच गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि साजिथ प्रेमादासा गोटबाया राजपक्षे की जगह श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बन सकते हैं। हालांकि प्रेमादासा के लिए राष्ट्रपति की कुर्सी कांटो भरा ताज होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कौन है साजिथ प्रेमादासा। साजिथ प्रेमादासा इस समय श्रीलंका के वर्तमान विपक्ष के नेता और कोलंबो जिले से सांसद हैं। प्रेमादासा समागी जन बाल वेगिया के वर्तमान नेता भी हैं। प्रेमादासा रणसिंधे प्रेमादासा के पुत्र हैं, जो 1989 से 1993 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एंट्री करने से पहले एस थॉमस प्रिपरेटरी स्कूल और रॉयल कॉलेज कोलंबो और मिल हिल स्कूल से पढ़ाई पूरी की है। 1993 में जब उनके पिता की हत्या कर दी गई, तब वे मैरीलैंड विश्वविद्यालय में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे। फिर वो श्रीलंका लौट आए और राजनीति में प्रवेश किया। हम्बनटोटा जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए यूनाइटेड नेशनल पार्टी में शामिल हो गए। साजिथ प्रेमादासा साल 2000 में पहली बार सांसद बने और उन्हें 2001 में स्वास्थ्य उप मंत्री नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्हें 2011 में यूनाइटेड नेशनल पार्टी का उपनेता नियुक्त किया गया था। साजिथ प्रेमादासा को 2015 में राष्ट्रपति सिरिसेना की राष्ट्रीय सरकार में आवास और समृद्धि का कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया। उन्होंने नवंबर 2019 में यूनाइटेड नेशनल फ्रंट से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में 2019 का राष्ट्रपति चुनाव लड़ा, लेकिन गोटबाया राजपक्षे से हार गए। दिसंबर 2019 में उन्हें विपक्ष के नेता और श्रीलंका के संवैधानिक परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। अब देखना होगा कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे इस्तीफा कब देते हैं। उनके इस इस्तीफा ना देने के कारण प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब सवाल ये उठता है कि कब श्रीलंका के हालात में सुधार आएगा। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। श्रीलंका पर विदेशी कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया है जिससे वो अगर चाहे भी तो चुका नहीं सकता। आर्थिक स्थिति गर्त में पहुंच गई है और भारत को छोड़कर किसी भी बड़े देश ने मदद तक नहीं की है, जिससे वो अपने हालात को सामान्य कर सके। जानकारों का मानना है कि श्रीलंका की इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ समय पहले तक काफी बेहतर रही है। ऐसे में मौजूदा संकट ज्यादा समय तक बना नहीं रहेगा। नई सरकार के बनने के बाद श्रीलंका संकट के समाधान की संभावना अधिक होगी। नई सरकार के लिए दोबारा अपने पर्यटन को पटरी पर लाने की बड़ी चुनौती जरूर सामने होगी। बता दें कि पर्यटन श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को चीन ने 99 वर्षों की लीज पर लिया हुआ है। हालांकि वो यहां पर अपना सैन्य अड्डा नहीं बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ सोलोमन द्वीप के साथ हुए करार के तहत वहां पर भी वो अपनी सेना को भेज सकता है, इसलिए भारत को इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।